गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास सिक्स के पंचदश पाठ मातुल चंद्रह का अध्ययन करेंगे। मातुल चंद्रह मतलब चंदा मामा, यानी कि आज हम सिक्स क्लास के पंद्रहवें पाठ मातुल चंद्रह यानी कि चंदा मामा के बारे में अध्ययन करेंगे। यह एक बाल गीत है जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक बालक चंदा मामा से अपने घर आने के लिए कहता है और एक मनोविनोद के साथ उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो। इस तरह के जो भी उसके भाव है वह व्यक्त करता है चंदा मामा को। कुत्र आगच्छत चंद्र मामा, कि कहाँ से आते हो चंदा मामा। कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, कहाँ जाओगे चंदा मामा। यानी कि एक बालक चंदा मामा को देख करके और उससे प्रश्न कर रहा है कि हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो और कहाँ पर जाओगे। अतिशय विस्तृत नील आकाश है। अतिशय मतलब अत्यधिक विशाल है, विस्तृत मतलब विशाल है। अतिशय यानी बहुत ही विस्तृत मतलब विशाल है। नील आकाश है, यह नीला आकाश, कि ये जो नीला आकाश है वह अत्यधिक विस्तृत है और विशाल है। नेव दृश्यते कश्चिद अवकाश है, नहीं दिखाई देता। नेव दृश्यते मतलब नहीं, दृश्यते मतलब दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता कश्चिद कहीं भी। अवकाश है यानी कि आकाश, कि हे चंदा मामा, कहीं पर भी मुझे ये आकाश जो है वह खाली दिखाई नहीं देता है। आकाश है मतलब यहाँ पर नीले आकाश से भी है और यहाँ पर रिक्त स्थान से भी है, यानी खाली जगह से भी है। तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि मुझे इस आकाश में कोई भी जगह खाली दिखाई नहीं देती है। कथम प्रायसी मातुल चंद्र, कथम प्रायसी यानी कि कैसे जाओगे चंदा मामा, कि तुम आ तो गए हो लेकिन मुझे इस संसार, इस आकाश में कोई भी जगह खाली दिखाई नहीं देती है, तो तुम वापस कैसे चले जाते हो और फिर पुनः कैसे आ जाते हो। कुत्र आगच्छति मातुल चंद्र यानी तुम कैसे और कहाँ से आते हो। कुत्र मतलब कहाँ से, आगच्छति मतलब आते हो, चंद्रा मातुल चंद्र मतलब चंदा मामा, कि तुम कैसे आते हो, कहाँ से आते हो चंदा मामा। तो इसका अर्थ यह है कि इस श्लोक का, कि यह जो आकाश है ये अतिशय विस्तृत है, विस्तृत है मतलब विशाल है, यह अतिशय विशाल है नीला आकाश, और मुझे तो इस आकाश में कहीं पर भी खाली स्थान दिखाई नहीं देता है। फिर चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे, ऐसा वह बालक चंदा मामा से कह रहा है। कथ्यमासी न भो मम गेहम मातुल कर किरसी कथम न स्नेहम, कि कथ मास्यसी मतलब कैसे आते हो। कथ आयसी का मतलब आना, तो कैसे आते हो। भो मतलब यहाँ पर संबोधन सूचक शब्द है उस चंद्रमा के लिए, तो के हे चंद्रम, यहाँ पर भो से मतलब है हे चंद्र चंद्रमा, मम ग्रह मेरे घर। कथम यानी कि क्यों आए थे, यानी कि आते हो। न का मतलब नहीं, कि हे चंदा मामा, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। मातुल किरसी कथम न स्नेहम, मातुल मतलब कि मामा, किरसी का मतलब बरसाना, कथम न स्नेहम क्यों नहीं, स्नेह का मतलब प्यार, कि हे चंदा मामा, तुम क्यों नहीं प्यार को बरसाते हो। यहाँ पे वो बालक कह रहा है चंद्रमा से कि तुम कैसे आते हो, और हे चंदा मामा, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो, क्यों मेरे घर पर तुम स्नेह यानी कि प्यार क्यों नहीं बरसाते हो। कदा गम्यसी मातुल चंद्र, कदा गम्यसी मतलब कब आते हो चंदा मामा। कुत्र आगस्यति मातुल चंद्र, और कहाँ से आए हो चंदा मामा।
कब आते हो, कदा मतलब कब, कि कब आते हो चंद्रमा और कहाँ से आते हो चंद्रमा, यानी कि वो बालक चंद्रमा से कह रहा है कि तुम कब आते हो चंदा मामा और तुम कहाँ से आते हो चंदा मामा। तो इस पूरे का अर्थ है कि तुम कैसे आते हो चंदा मामा, मेरे घर तुम क्यों नहीं आते हो, हे मामा तुम मेरे घर पर प्यार क्यों नहीं बरसाते हो, कदा कब गमिष्यति, कब आते हो चंदा मामा, कहाँ से आते हो चंदा मामा। धवलम त्वम चंद्रिका वितानम, धवलम का मतलब सफ़ेद, तव का मतलब तुम्हारी, चंद्रिका वितानम यानी कि चांदनी, वितानम का मतलब फैली हुई है कि हे चंदा मामा तुम्हारी सफ़ेद चांदनी पूरे आकाश में फैली हुई है। तारका सिद्ध शीत परिधानम, तारका मतलब तारा, तारे जो हैं तारों का समूह, वह खिचित का मतलब भरा हुआ है, शीत का मतलब सफ़ेद और परिधानम का मतलब कपड़े, कि हे चंदा मामा जो तुम्हारे सफ़ेद कपड़े हैं जो वह तारों के समूहों से भरे हुए हैं, कि तुमने जो सफ़ेद वस्त्रों को धारण कर रखा है वह तारों से भरे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे चंदा मामा ने जो चांदनी है उसको परिधान कहा गया है, यानी कि चंद्रमा के वस्त्र बनाए गए हैं और उस पर जो है चांदनी पर के आस साये में जो जितने भी तारे हैं उन्हें वस्त्रों का आभूषण बताया गया है। तो इस प्रकार से जो चंद्रमा है उससे कहा जा रहा है कि हे चंदा मामा तुम्हारे जो वस्त्र हैं वह तारों से भरे हुए हैं। महादास्यामी मातुल चंद्र, महा मतलब मुझे, दास्यामी यानी कि दोगे, चंद्रमा चंद्र मातुल चंद्रमा मतलब चंद्रमाला, कि ये जो तुमने ये तारों की जो चंद्रमाला को धारण किया है, तारों की जो माला को धारण किया है उसकी रोशनी को जो तुम धारण करते हो, क्या तुम वह मुझे दोगे। कुत्र आगच्छति चंद्रमा, कि तुम कहाँ से आते हो चंदा मामा। तो यहाँ पर है कि तुमने जो, हे चंद्रमा तुमने जो सफ़ेद, तुम्हारी जो चांदनी है वह पूरे आकाश में फैली हुई है और तुमने जो सफ़ेद परिधान यानी कि वस्त्रों को धारण किया है वह तारों के समूह से भरे हुए हैं, क्या तुम वह तारों की जो माला तुमने धारण कर रखी है क्या तुम मुझे दोगे। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। त्वरित में है माँ श्रावती गीतम प्रिय मातुल वृधय मैं प्रीतम किन्नायासी मातुल चंद्र कुत्र आगस्यसी मातुल चंद्र। त्वरित मतलब तुरंत, में ही मतलब आओ, माँ यानी मुझे, श्रावती यानी सुनाओ, गीतम मतलब गीत, कि हे चंदा मामा तुम तुरंत आओ, तेजी से आओ और मुझे गीत सुनाओ। प्रिय मातुल प्रिय मामा वर्धयति यानी कि बढ़ाओ, मैं प्रीतम यानी मेरी, प्रीतम मतलब प्यार या स्नेह, कि हे प्यारे मामा तुम जल्दी से आओ मुझे गीत सुनाओ और मेरे स्नेह को बढ़ाओ, यानी मेरा जो आपके लिए स्नेह है उसे बढ़ाओ। किन्यासी मातुल चंद्र क्या तुम नहीं आओगे, किन्यासी मतलब क्या तुम नहीं आओगे चंदा मामा। कुत्र आगस्य गस्यसी मातुल चंद्र कि हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। तो इसका अर्थ है कि हे चंदा मामा तुम जल्दी से आओ, हे प्रिय चंदा मामा तुम मुझे गीत सुनाओ, मेरी स्नेह को बढ़ाओ, क्या तुम नहीं आओगे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो चंदा मामा, तुम कहाँ से जाओगे चंदा मामा। इस तरह से ये बाल गीत
एक बालक के द्वारा गाया गया। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। मातुल्य चंद्र यानी कि चंदा मामा, कुत का मतलब कहाँ से, अतिशय विस्तृत यानी कि अति विशाल, दृश्यते का मतलब दिखाई देती है, किसित का मतलब कहीं भी, प्रेसी का मतलब जाओगे या जाएगी, गृहम का मतलब घर को, गिरसी का मतलब बिखेरती हो या बिखेरती हो, धवलम का मतलब सफ़ेद, चंद्रिका वेतनम का मतलब फैली हुई चांदनी, तारा का मतलब तारों से शोभित, शीत परिधानम यानी कि श्वेत वस्त्र, महम यानी मुझे, त्वरित यानी शीघ्र, यही मतलब आवश्यक मतलब सुनाओ, वर्धे मतलब बढ़ाओ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मातुल्य चंद्र बाल गीतम स अभिनय स्वर गायत, यानी कि आपको इसको गाना है गीत को, ऐसा विद्यार्थी स्वयं अभिनय करके गाएं। क्वेश्चन नंबर 2, पदांश योजित है, आपको इन शब्दों को मिलाना है। मातुल्य कीर्ति कथम न स्नेह, तारक सिद्ध तो इसको मिलाना है, चंद्रिका कविना कविता नाम, त्वमेहि माह श्रवण गीतम अतिशय विस्तृत नील आकाश है, धवलम शीत परिधानम। अगला प्रश्न है, पद्यांशु रिक्त स्थानानि पूर्यते, प्रिय मातुल, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, प्रिय मातुल तो इसका लिखना है आपको, वर्धयते मे प्रीतम, कथम प्रयासी मातुल चंद्र, चंद्रम नेव दृश्यते कश्चिद अवकाश है, माह दासियसी मातुल्य चंद्र है, कथिमायसी न भो मम गेहम। अगला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित है, आपको इसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अस्मिन् पाठे क मातुल है, तो अस्मिन् पाठे चंद्र है मातुल्य, चंदा मामा के लिए है। नील अवकाश है अतिशय कीदृश्य अस्ति, नीला अवकाश कैसा है, तो नीला आकाश है अतिशय विस्तृत अस्ति, अत्यधिक विशाल है। मातुल्य चंद्र किम न करीत, जो चंदा मामा है वह क्या नहीं करता है, मातुल्य चंद्र है स्नेह न करीती, चंदा मामा स्नेह क्यों नहीं करता है। की श्रावितुम शिशु चंद्रम कथयति, गीत श्रावितुम शिशु चंद्र कथयति, यानी कि जो बालक है वह चंद्रमा से क्या सुनाने को कहता है, तो वह बालक चंद्रमा से गीत सुनाने को कहता है। चंद्रस्य शीत परिधानम कथम अस्ति, चंद्रमा का जो श्वेत वस्त्र है वह कैसा है, चंद्रमा का जो श्वेत वस्त्र है वह तारों से भरा हुआ है, तो इसका हो जाएगा चंद्रस्य शीत परिधानम ताराखचित अस्ति। उदाहरणानुसार निम्नलिखित पदानि संबोधनम परिवर्तित है, उदाहरण के अनुसार आपको जो है संबोधन में परिवर्तित करना है इन वाक्यों को। शिष्य हे शिष्य गोपाल है, हे गोपाल गोपाल है, और संबोधन सूचक जो चिन्ह होता है वो आपको लगाना है, जैसे कि इसमें लगा हुआ है। फिर आपको लिखना है प्रियम वदा, तो प्रिय वदा, लता वो जो चिन्ह है वो लगा देना है, मित्रम के आगे, पुस्तकम के आगे, मुनि कवि साधु पशु देव मुनि मुनीना इन सभी के आगे वो शब्द इस तरह से आपको लगाना है, जैसा कि इसमें लगा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। इसको कहते हैं संबोधन सूचक शब्द, जो किसी के लिए संबोधित करने के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, मंजुषात उपयुक्तानाम अव्ययपदानि प्रयुक्त, आपको अव्यय पदों का प्रयोग करके इसमें लिखना है। जगन्नाथपुरी, तो इसका हो जाएगा कुत्र अस्ति, त्वं पुरी गमिष्यति, तो कदा, गंगा नदी कुत प्रवहति, तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति, वर्षा काले मयूरा किम कुर्वन्ति,
तत्सम शब्दानाम लिखित है। तत्सम शब्दों को आपको इसमें तत्सम शब्दों को लिखना है। तो इसका हो जाएगा मामा का हो जाएगा मातुल, मोर का हो जाएगा मयूर, तारा का हो जाएगा तारकम, कोयल का हो जाएगा कोकिले, कबूतर का हो जाएगा कपोता है।